डाल दिया डाले है भैया। किसे जिता रहे हैं? अब देखो कौन जीतेगा। नहीं, जिसको वोट डालेंगे सब सोचते तो वही है कि वही जीत। डाले आए हम तो वोट डाल दिया ना हाथी पे। हाथी पे इस बार हाथी पर। हाँ ये भैया कह रहे हैं झूठ बोल। नहीं झूठ कैसे बोलेंगे भैया, हमारा पंडित खड़ा हुआ है, पंडित है देख के आए हम जी। एक कमल के अलावा किसी को वोट नहीं देखती चाहिए इस टाइम पे। कोरे कागज साइन करवाने तो चप्पा लगा दिया कि कमल के सिवाय कहीं बटन नहीं दबा। लाए झूठ बोल रहा है भैया। चेयरमैन में, चेयरमैन पे फूल पे, चेयरमैन में बात कर रहे हैं हम। अच्छा फूल पे क्यों? सामा जी के पास 20 एप्लीकेशन दी हमने। सामान्य जी चले गए उससे पहले, वो भी चले गए सभासद, और राहुल भी चले गए सभासद। 10 एप्लीकेशन दे दी। ये तो कह रहा धामा जी ने नक्शा ही बदल दिया। लोनी का भाई साहब खड़े आपके बराबर। हमारी गली नहीं बनी जी, सीवर में सबकी गली बन गई, सबके लेंटर हो गए। हमारी गली में कुछ नहीं हुआ आज तक। ठीक है, हमने अपने निजी पैसों से खंबे पर लाइट लगवा रखी है, नगर पालिका ने हमें लाइट भी नहीं दे रखी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। नगर निकाय का दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर लिया। मत के बाद, प्रयोग के बाद अब ये चिंतन कर रहे हैं किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, किसे ये हरा रहे हैं, किसे जिता रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे आखिर कैसा इनका मतदान रहा। सर मंजू शर्मा वो डाल दिया। डाले आए भैया। किसे जिता रहे हैं? अब देखो कौन जीतेगा। नहीं, जिसको वोट डालेंगे सब सोचते तो वही है कि वही जीत। डाले आए हम तो वोट डाल दिया ना हाथी पे। हाथी पे इस बार हाथी पर। हाँ ये भैया कह रहे हैं झूठ बोल। नहीं झूठ कैसे बोलेंगे भैया, हमारा पंडित खड़ा हुआ है, पंडित है देख के आए हम जी। एक कमल के अलावा किसी को वोट नहीं देखती चाहिए इस टाइम पे। कोरे कागज साइन करवाने तो चप्पा लगा दिया कि कमल के सिवाय कहीं बटन नहीं दबा। लाए झूठ बोल रहा है भैया। चेयरमैन में, चेयरमैन पे फूल पे, चेयरमैन में बात कर रहे हैं हम। अच्छा फूल पे, फूल पे, फूल पे सभी लोग सभी की यहाँ भर्ती। हाँ सबकी आए, सबकी सब देख के आए चेयरमैन का फूल पे। नलका देख गया, नलका जीत रहा है अब देखा भाई। जी भाई जी देखा, अंकित नाम है मेरा, आरएलटी में देखा है वोट में। अब जिन्होंने वोट नहीं दी वो भी कह रहे हैं कि जीत। भाई नलका जीत गया। नहीं भैया मैं तो फूल पे देख के आई हूँ। एक तरफा जीत रहा है भाई, जो जिसको वोट डालता है वो ही जीतता है। एक तरफा जीत रहा है नलका, आरएलटी जिंदाबाद। भाई साहब आप, आपकी वोट है क्या? हाँ बिल्कुल है भाई साहब। डाल दी, डाल दी। किसे डाली? विकास के मुद्दे पर डाल दी, फूल पर डाल दी, फूल पर डाली। विकास का मतलब फूल ही। वो 10 साल से कह रहे थे कि विकास करा मैंने इतना, दूसरे प्रत्याशी थे जो नलके से दामा जी, वो 10 साल से कह रहे थे विकास किया मैंने, उन पर यकीन नहीं रहा क्या? प्रत्याशी बनी भाई, हमें पार्टी पर यकीन रहा है। प्रत्याशी ज़्यादा ज़्यादा पार्टी पर यकीन। हाँ जी आपको। जी भाई साहब कमल को देंगे, किसी और पे नहीं यकीन था क्या? ना बिल्कुल नहीं। वो 10 साल से विकास कर रहे हैं आपके लोनी ना, 10 साल से नल में खराब हुआ पड़ा। एक मिनट, 10 साल से, 10 साल हो गए नल के खराब हुए। कौन से को? ये वो खड़ा सामने, 300 करोड़ पूरे 10 साल हो गए, और 10 साल इन पे चेयरमैन नहीं होगी। कैसे 300 करोड़ का घोटाला है नलके के अंदर, और 280 करोड़ भी आए थे, और 20 करोड़ धामा विधायक जी ने धामा को दिए थे क्या? वो 300 करोड़ घोटाला बताने लगे मामले में। जांच तो 500 की चल रही है कह रहे। कहाँ चल रही है भाई साहब? लोकायुक्त के यहाँ बता रहे हैं 500 करोड़ की। जी कह रहे 300 करोड़ घोटाला हुआ है, पीछे 280 करोड़ आए थे, तो 20 करोड़ दामज दे गए थे, वो विधायक ने दिए थे। यहाँ पे बताओ आप, और कहीं से आए होंगे? कोई सी नीति से? किसने दी थी बताओ ना मुझे आप, हमें कहीं से प्रूफ कर दो। तो वो बताएंगे ना जो बार बार कह रहे हैं, उनसे सवाल पूछिए भाई। ऐसे कैसे पूछ लिए बताओ, विधायक को सवाल पूछे दिखाओ ना आप। विधायक कौन सा काम अच्छा किया है बताइए मुझे आप। यहाँ पे आप बताओ आपके लोने में क्या किया? मैं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। ये कहा वो लंदर बनाएंगे, एक बार बारिश करवा दे जा पता चल जाएगा कौन सा लंदर बनाए। तो नगर पालिका का काम है ना भाई, नगर पालिका मना करते हैं। आप एक बात बताओ, जिसको वोट दे गए हैं उसका काम था नगर पालिका का? नहीं बात आ रही लेकिन आप प्रत्याशी की बात करिए ना, 10 साल से तो वो थे, काम तो उनका था ना। ये नेशनल हाईवे किस कंट्री में आता है मुझे बताइए ना आप। सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंटर में कौन बैठा है? कौन बैठा सेंट्रल में? किशोर नहीं बैठा। कहाँ बैठा है? किशोर नहीं बैठा। सरकार किसकी चल रही है ऊपर से नीचे तक ये बताइए। बीजेपी की बैठी। तो फिर काम क्यों नहीं हुआ, क्यों ऐसे झूठे वादे किए नंदू जी ने, ये बताइए मुझे आप। और नाली वाले भी कभी नहीं आते, कभी झाड़ू वाले तो आ जाओ, कभी कहा नाली में ही कर जा कूड़े को। और ये गली जो है ना कम से कम 20 साल तक कभी आते इसमें खड़ंजा नहीं पीछा, ये गली मेरे सामने है। जो सच्चाई सामने लाओ। कितने चेयरमैन आ गए हमारी गली में कोई नहीं। तो तेरी गली गए तो ठहरा मुद्दा। भैया मेरी बात सुनो, इस बार लग रहा है क्या हो जाएगी? हैं बार लग रहा है बन जाएगी।
क्या बन जाएगी? हमने 20 एप्लीकेशन दिए सामाजिक के पास, 20 एप्लीकेशन दी हमने। सामान्य जी चलेगा, उससे पहले वो भी चलेगा सभासद, और राहुल भी चलेगा सभासद, 10 एप्लीकेशन दे दी। ये तो कह रहा धामा जी ने नक्शा ही बदल दिया, लोनी का भाई साहब खड़े आपके बराबर। हमारी गली नहीं बनी जी, सीवर में सबकी गली बन गई, सबका लैंटर होगा, हमारी गली में कुछ नहीं हुआ आज तक। ठीक है, कि नवा दुकान हो, हमने अपने निजी पैसों से खंबे पर लाइट लगवा रखी है, नगर पालिका ने हमें लाइट भी नहीं दे रखी। बोर्ड हमारी तो काटी है पहले साहब, ठीक है, और कम से कम 25-30 लड़के हैं जिनकी बोर्ड कटी हुई है लालबाग के अंदर, ठीक है, उसकी शिकायत करते ना। मैं तो भाई जो भी चुनाव लड़ा उनकी शिकायत करूंगा ना, जो हमारी बोर्ड काटे जा रहे हैं यहाँ पे, और कम से कम पता है कितने लोगों की यहाँ पे मामला नहीं है, कम से कम अब 30% वोट कटी हुई है वहाँ पे, ठीक है, और लालबाग में कम से कम ई ब्लॉक है मंडी के पास, वहाँ पे बहुत वोट कटी हुई है लोग। पर्ची 3-4 दिन पहले तब संपर्क नहीं किया भाई? मैंने संपर्क भी करा, जब भी नहीं हुई मेरी, मैं कम से कम 1 हफ्ता हो गया कम से, जब मैं यहाँ पे था कार्यालय में जा रहा था, यहाँ पे सभासद लड़ रहे हैं, वहाँ पे मैंने बोला था, वहाँ पे भी नहीं मिली मुझे, और कंप्यूटर में सिस्टम में चेक कराया, ऑनलाइन चेक कराया, वहाँ पे नहीं है बोर्ड। तो इसकी आप शिकायत कीजिएगा, कंप्लेंट ऑनलाइन जरूर कीजिए। करेंगे, वो तो करेंगे, बिना ऐसे फायदा थोड़ी का अधिकार है, अगर इसको भी छीनेगा तो कोई तो फिर मतलब रहना लोकतंत्र में, ये ठीक है। अधिकार जो है वही, ये अधिकार है हमारा बोर्ड देने, जहाँ पे हमारा मन करेगा वहाँ पे देंगे हम, अब वहीं छीन लेंगे तो क्या फायदा हमारा। ये भी है समस्या यहाँ पर कि वोट काट दी गई काफी संख्या में। तो आप भी जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ और देखते रहिए।